बेटा बाहर आओ, गेट खोल के बाहर आओ यहाँ से जल्दी। चीज़ लेनी नहीं क्या? बाहर आ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत अच्छी शुरुआत, सुहावनी सुबह और सर्दी का असर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा जो बिजनेस है, जो काम है। तो आइए उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे यहाँ काम करने वाले और मेरे नाना जी। आइए। तो ये है मेरे नाना जी शेर मोहम्मद जी, जो मेरे जो बिजनेस है उसको रन करते हैं। बेसिकली मेरा जो बिजनेस है वो आटा मिल है, और ये चक्की के काफ़ी सालों पुराने मिस्त्री हैं, इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने अच्छे से मैनेज किया हुआ है और आपको मिलवाते हैं। ये हमारा एक भाई काम करने वाला उमेश शर्मा, और ये शर्मा रहा है वीडियो से। एक से मिलवाते हैं, ये है हमारे चानू भाई, ये बेसिकली बिहार से हैं और हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ मेरा जो आटा मिल है, ये मेरी आटा मिल है। इधर ये मशीनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये इधर कनक पड़ी है और ये मशीनें वगैरह सब कनक की पिसाई वगैरह करके उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पीसा जाता है। यहाँ पीसने के बाद में जो आटा निकलता है, उस आटे को इस मशीन के थ्रू छान कर पैक कर कर हमारे जो कस्टमर है उनको पहुँचाया जाता है। तो और दूसरी बात, ये मेरा ऑफिस है, अभी ऑफिस में लाइट गई हुई है क्योंकि लाइट की यहाँ परेशानी रहती है, तो लाइट गई हुई है। तो लाइट आने के बाद में हम मशीन शुरू करेंगे। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है ये हमारी आटा मिल, आसपास खेत हैं और पूरी जो सड़कें हैं वो एकदम फुल चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, खुला वातावरण, साफ़ हवा, कोई शोर शराबा नहीं। आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकेशन, ये पीछे की तरफ इधर खेत है। सुबह ठंडी का मौसम है और मेरे को भी थोड़ा सा कोल्ड हुआ पड़ा है, तो इसलिए मैंने अपने को कवर कर रखा है। और मतलब कि काफ़ी अच्छा मौसम है आज, और ये सूरज भी निकल चुका है और धूप का भी थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर में चाय आने वाली है और उसमें चाय का लुत्फ उठाएंगे। वाकई में चाय सर्दियों में तो काफ़ी अच्छी लगती होगी ना, आप भी जरूर कमेंट करके बताना कि आपको चाय कितने अच्छी लगती है। ये लाइट आ चुकी है, अब हम काम शुरू। आज सुबह सुबह का वक्त है, अच्छी धूप निकली हुई है और मेरी डॉटर कैफिया खान उर्फ परी ये सुबह से जिद कर रही है, इसको ब्लॉक्स चाहिए, पता नहीं क्या बनाएगी। और इसने घर बनाऊंगी, घर अच्छा घर बनाओगे उससे? हाँ। तो दोस्तों ये घर बनाने वाली है उन ब्लॉक्स से, और साथ में एक लानी है किंडर जॉय और एक लानी है जाली वाली लॉलीपॉप। तो फ्लावर वाली, हाँ। फ्लावर लॉलीपॉप। तो हम अभी तो कहीं जाना है, मुझको किसी के घर पर दावत है, और उसके बाद में मैं और परी गाड़ी में यहाँ से जाएंगे, इसके लिए ब्लॉक्स और वो जो खाने के आइटम वो लेके आएंगे। सो गाइस, मैं और परी गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं टॉय वाले शॉप पे। अच्छा, पहले टॉय लेना है या पहले वो खाली लेने किंडर जॉय? किंडर जॉय और जाली वाले फ्लावर, और फिर पहले हम जाएंगे वैरायटी स्टोर पे और उसके बाद में जाएंगे हम टॉय शॉप पे। तो बाकी की जो वीडियो शूट है वो परी करेगी और परी आपको अपने बारे में कुछ बताएगी। चलो परी, आप फोन पकड़ो और रिकॉर्डिंग करो, और साथ में मेरी रिकॉर्डिंग भी करना। यस फ्रेंड्स, अब गाड़ी चल रही है गाजी, तो अब हम लेंगे झूले के मजे। तो पहले हम स्टोर पर जाएंगे मेरे लिए पोछा दिखानी की चीजें, और फिर हम टॉय शॉप पे जाएंगे। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए हैं वैरायटी स्टोर पर, परी साथ में है। परी गेट खोलो बेटा, बाहर आओ, गेट खोल के बाहर आओ यहाँ से जल्दी। चीज़ लेनी नहीं क्या? बाहर आ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ फटाफट। परी बाहर आ रही है और हम परी के लिए कुछ लेने वाले हैं। आइए आइए, परी आ गई है, चलो अंदर शॉप में चलो। अरे बहुत क्यूट, इसका यूट्यूब चैनल है इसके लिए। तो परी बताइए क्या क्या लेना करोगे आप? आप वो मांग रहे थे ना, ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही आपकी फ्लावर वाली जाली वाली लॉलीपॉप और किंडर जॉय, पिंक कलर किंडर इसमें पड़ी है, वो आपको दादाजी देंगे। सुबह सुबह ही
ये शॉप के ओनर आ गए हैं हमारे खास अंकल। अंकल जी इसको आप दे दो किंडर जो है। किंडर जो इसमें पड़ी है डब्बे में, पिंक कलर की किंडर जो है। परी लेगी, दिखाइए परी। गाय किंडर जो भी ले ली है परी ने। और कुछ लेना है? हाँ। क्या बस आपने तो मुझे दो आइटम बोली थी, अब आप तो आगे बढ़ा रहे हो। और बस चले क्या फिर टॉय वाले शॉप पे? तो गाइस हम यहाँ से जाएंगे टॉय वाले शॉप पे और बाकी का वीडियो वहाँ बनाएंगे। सो गाइस हम अब टॉयज वाली शॉप पर एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टॉय वाली शॉप काफ़ी खूबसूरत और बड़ी शॉप है ये। और परी आ चुकी है अब टॉय वाले शॉप पे। ब्लॉक्स चाहिए तो परी ने ब्लॉक्स की डिमांड की थी जैसे घर पर मैंने बताया था आपको। तो ये वो ब्लॉक्स हैं, इनसे पता नहीं इनसे पता नहीं वो क्या करने वाली है और कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन कुछ देर बाद में ये पता नहीं कहाँ मिलेंगे ब्लॉक्स। छोटे वाले ब्लॉक्स। हाँ। परी ने छोटे वाले ब्लॉक्स के बारे में बात की थी, बचत होगी कुछ पैसों की। हाँ। तो गाइस ये वाला ब्लॉक परी ने पसंद किया है और इससे शायद घर बनेगा, तो ये हमने ले लिया है। और परी ने ये भी लिया है, पता नहीं क्यों लिया है, किसने लिया, लेकिन तो क्यूट लगा है ये। क्यों लिया है आपने? ये क्यूट है ना, इसलिए लिया है। हाँ। और ये किसने लिया है ब्लॉक्स? ये ब्लॉक्स हमने लिया है। किस लिए? घर बना रहे हैं। और कुछ बस इतना ही क्या? हाँ। तो गाइस हमने टॉयज ले लिए हैं और हम घर जा रहे हैं, और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टॉयज से क्या करने वाली है और ये कितने दिनों तक ये टॉय इसी तरीके से रहेगा या कितने दिन बाद में ये टॉय गायब हो जाएगा। तो अभी हम हमारे भाई साहब को पेमेंट करके और घर की तरफ रवानगी लेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस हमने टॉयज ले लिए हैं और किंडर जॉय और लॉलीपॉप जो कि परी गाड़ी में ही खा रही है, और किंडर जॉय में इसको एक डॉल निकली है छोटी सी। परी वो डॉल दिखाइए आप। ओके गाइस, तो इसके पास दो डॉल आ चुकी है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली में इसमें क्या हुआ कि गाइस गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा है, शायद कोई हॉर्न से वायरिंग वगैरह हट गई होगी, तो वो भी ठीक करवाने वाला है। थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है गाड़ी चलाने में। एंड करीबन टॉयज 250 के आए हैं और इससे ठीक 3 दिन पहले ये परी स्लेट लेके आई थी, वो 400 रुपीज़ की थी। अब वो पता नहीं कहाँ पे है, उसका क्या यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, और आज फिर नया टॉय। तो आज देखते हैं ये वाला जो टॉय है वो कितने दिन चलेगा, और बाकी की जो टॉयज के साथ प्ले गेम है वो परी अपने YouTube चैनल पे डाल देगी, तो आप उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आज कुछ खास नहीं था, थोड़ा बहुत जो लगा मुझे खास है मैंने उसका ब्लॉग बना के डाल दिया है। आई होप यू गाइज विल लाइक इट, और प्लीज़ भाइयों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, आपका प्यार मोहब्बत ही मुझे सपोर्ट के एक तरीके का सपोर्ट लगेगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।